यहूदियों की शादी इतनी अजीब होती है, मुझे तो आज पता चला। जी हाँ दोस्तों, इनके यहाँ शादियों में बहुत अजीबोगरीब रस्में होती है। सबसे पहले इनके यहाँ शादी के दिन रोजा रखना अच्छा माना जाता है। यहूदी धर्म में शादी की रस्में दोपहर बाद महफिल में रखी जाती है, जहाँ पर रेशमी कपड़े का शामियाना लगाया जाता है। इसमें दुल्हा दुल्हन के साथ आता है, फिर यहूदी रब्बी गिलास में शराब लेता है और उन दोनों के लिए दुआ करता है और गिलास दुल्हा दुल्हन को दे देता है। फिर वो दोनों मजे से शराब पीते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इनकी शादी में गिलास को तोड़ना सबसे अहम रस्म माना जाता है। जिस गिलास में शराब पीते हैं उसे जमीन पर रखा जाता है और फिर दूल्हा गिलास को अपने दाहिने पैर से तोड़ देता है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गिलास के टुकड़ों से अंदाजा लगाते हैं कि दूल्हा दुल्हन कितने सालों तक शादी के बंधन में जुड़े रहेंगे। इसके अलावा इनकी शरीयत के मुताबिक जब किसी औरत की एक बार शादी हो जाती है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है तलाक के बाद भी। तो इसीलिए मुसलमान होने पर फक्र करो।